बकरी ईद तो रक्षाबंधन जैसे पर्व आने वाले हैं। कोरोना काल के बीच त्योहारों में व्यवस्थाओं को लेकर जोधपुर पुलिस की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते धारा 144 लगी हुई है, साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से आम जनता को सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों की पालना करने के निर्देश भी दिए गए हुए हैं। इसके साथ इसको देखते हुए पुलिस ने शहर के भीतरी क्षेत्र स्थित बाजारों में सादे वस्त्रों में पुलिस के जवान तैनात किए हैं, जो कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही कई बाजारों में ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। प्रदर्शन कर रही इन महिला सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनकी दो सहयोगी सफाई कर्मचारी कोरोना के चपेट में आ चुकी है, इसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन पूरे इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं करवा रहा है। इनका ये भी कहना था कि कोरोना भत्ता मात्र 200 रुपए दिया जाता है, जबकि डॉक्टर और नर्सेस को 3000 रुपए कोरोना भत्ता दिया जाता है। इनका कहना था कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। इधर सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पूरे अस्पताल की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। इस संदर्भ में अभी हमने कुछ मीटिंग्स चालू की हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि और मौजूद लोग समाज के, विभिन्न समाज के, उनसे कुछ बातचीत भी चालू की है कि अभी जो गाइडलाइंस हैं सरकार के और जो नियम कानून हैं उनकी हमें पालना करनी है। और अभी जैसे कि धार्मिक स्थल अभी नहीं खुले हैं, तो किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम मंदिर मस्जिद या किसी और धार्मिक संस्थान में अभी नहीं हो सकता है, तो इसको लेकर क्लैरिटी है। पहले भी हमने ईद के समय और अन्य त्योहारों के समय भी हमने देखा कि हरेक समाज और हरेक धर्म, हरेक वर्ग के लोगों ने पुलिस का सहयोग किया है अभी तक, और हर तरह का त्यौहार जो है इस बार लोगों ने घरों पे ही मनाया है। तो आगे आने वाले त्यौहार को लेकर भी यही डायरेक्शंस है, और मीटिंग में भी एक कंसेंसस बना के इस चीज़ का मैसेज जो है समाज में दिया जाएगा कि जो गाइडलाइंस है सरकार की, धार्मिक संस्थान अभी बंद है, तो उस हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली मार्केट पे हमारा नज़र रहेगा, कुछ तो स्पेशल टीम बनाएंगे जो कि रेगुलर मार्केट में राउंड रखेंगे, वीडियोग्राफर्स की टीम रहेगी। जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं कि आजकल जो कार्रवाई है, पहले सादा वस्त्रधारी वीडियोग्राफर जाता है, फिर बाद में पुलिस टीम आती है, तो वीडियोग्राफर्स की टीम एक तो रहेगी। नगर निगम और पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाइयाँ चलेंगी। कोई भी अगर दुकानदार कोई गाइडलाइंस की पालना करते हुए अगर नहीं पाया जाता है, तो फिर उसकी दुकान सीज की जाएगी, जैसा कि कल आपने देखा कि कुछ दुकान भी सीज किए गए। ड्रोन भी हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, ड्रोन से भी हम लोग निगरानी रखेंगे, अगर किसी भी जगह कोई भीड़ भाड़ हुआ तो ड्रोन से तुरंत फीडबैक लेकर वहां टीम रवाना करके कार्रवाई की जाएगी। और इसमें अगर लोग अब नहीं मानते हैं, तो अभी तक जो चालान की कार्रवाई है उसमें FIR भी दर्ज होंगे और लोग अरेस्ट भी किए जाएंगे।